15 अक्टूबर को थिएटर खुल रहे हैं, लगभग 7 महीने के बाद जब थिएटर खुल रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारी फिल्मों की री रिलीज का ऐलान हुआ है और उन फिल्मों में सुशांत की फिल्म भी शामिल है। ये कहा जा रहा था कि OTT पर रिलीज हुई दिल बेचारा भी फिर से रिलीज की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो फिल्मों की लिस्ट सामने आई है उस लिस्ट के मुताबिक सुशांत और सारा की साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म केदारनाथ रिलीज होने वाली है। इस बात की जानकारी जो है ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने दी है। उन्होंने कहा, एज सिनेमा रेडी टू रीओपन देयर डोर्स फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स, द लिस्ट ऑफ हिंदी फिल्म स्केड्यूल फॉर री रिलीज दिस वीक इज ऑफिशियली अनाउंस। तानाजी, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, मलंग, केदारनाथ और थप्पड़, ये फिल्में इस हफ्ते थिएटर में री रिलीज होने वाली है और मोर फिल्म्स विल बी स्केड्यूल इन कमिंग डेज। ऐसा नहीं है कि आगे भी बहुत सारी ऐसी फिल्म है जो री रिलीज हो सकती है। वहीं तरुण आदर्श ने ये भी जानकारी दी, द लिस्ट ऑफ हिंदी फिल्म्स री रिलीजिंग द सिनेमा कीप्स ग्रोइंग। इन एडिशन टू द फिल्म टाइटल्स मेंशन अर्लियर, देयर इज अ प्रोमिनेंट एडिशन टू द लिस्ट वॉर, यानी कि वॉर फिल्म भी जो है हो सकती है जल्द। कुछ फिल्मों को री रिलीज किया जाएगा, ये उन फिल्मों की लिस्ट है। वहीं दिल बेचारा, सड़क टू, शकुंतला देवी, खुदा हाफिज, गुंजल सक्सेना, द कारगिल गर्ल, गुलाबो सिताबो, ये ऐसी फिल्म थी जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी लॉकडाउन के दौरान। तो क्या ये फिल्में रिलीज होंगी थिएटर में, क्योंकि बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि फिल्म जो है दिल बेचारा उसको भी थिएटर में रिलीज किया जाएगा OTT के बाद। इस पर अब खबर आई है, देयर वॉज टॉक दैट फिल्म ऑन OTT प्लेटफॉर्म, जिसमें दिल बेचारा, सड़क, शकुंतला देवी, खुदा हाफिज, गुंजन सक्सेना, गुलाबो सिताबो, माइट रिलीज इन सिनेमाज, बट लीडिंग मल्टीप्लेक्स चेन PVR, आईनॉक्स, कार्निवल ने ये डिसाइड कर दिया कि उन फिल्मों को नहीं दिखाया जाएगा। तो जो लॉकडाउन में रिलीज हुई थी OTT पर, उन फिल्मों को अब थिएटर रिलीज नहीं मिलेगी। वहीं सुशांत की फिल्म केदारनाथ री रिलीज हो रही है इसी हफ्ते, तो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ जो है थिएटर शुरू हो रहे हैं और कुछ जो है गाइडलाइंस आई है उसको ध्यान में रखना होगा। जो है 50% कैपेसिटी, वेयरिंग मास्क एट ऑल टाइम, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनर टेम्परेचर सेटिंग एट अबाउट 23 डिग्री सेल्सियस। तो PM नरेंद्र मोदी की जो बायोपिक है वो भी सिनेमा में 15 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। तो इस तरह सुशांत की केदारनाथ रिलीज हो रही है, लेकिन दिल बेचारा को अभी रिलीज करने का कोई प्लान नहीं है। और तरण आदर्श की खबर के अनुसार उसको रिलीज करने के लिए जो है सिनेमा चेन्स ने मना कर दिया है।